हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाटिको टेक्नोलॉजीज। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक मैक सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हम मैक सिस्टम में सिर्फ मैक ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एप्पल हमें एक ऑफिशियल तरीका देता है जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम एक मैक सिस्टम के अंदर विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगेगा विंडोज़ 10 का सेटअप फाइल ISO फॉर्मेट में और एक गुड इंटरनेट स्पीड, और साथ में हमें लगेगा एक मैक सिस्टम। तो हमारे पास है एक एप्पल मैकबुक प्रो 13 इंच 2018 मॉडल। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे विंडोज 10 सेटअप फाइल। इसके लिए हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डाउनलोड विंडोज 10। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफिशियल लिंक पे जाना है माइक्रोसॉफ्ट के। यहाँ पर हम विंडोज 10 का एडिशन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। और हमें डाउनलोड करना है 64-bit वर्शन। यहाँ पर डाउनलोड चालू हो चुका है, 15 मिनट्स दिखा रहा है, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पर। तो ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, हम चेक कर लेंगे डाउनलोड्स में जाकर। तो यहाँ पर विंडोज़ 10 ISO फाइल 64-bit वर्जन डाउनलोड हो चुकी है। 4.94 GB इसका साइज़ है। मैक ओएस के अंदर हमें ऑफिशियल एप्लीकेशन मिल जाता है विंडोज़ इंस्टॉल करने का। तो अभी हम जाएंगे यूटिलिटीज़ पर, हम सेलेक्ट करेंगे बूटकैम असिस्टेंट, कंटिन्यू करेंगे। तो इसने ऑलरेडी ISO इमेज फाइल ब्राउज कर लिया है, वरना आप चूज़ पर क्लिक करके मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे पार्टीशन साइज़, हम दे देंगे 150 GB विंडोज़ को, और क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। तो यहाँ पर ये 19 मिनट्स दिखा रहा है, अगेन ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर। तो ये बेसिकली विंडोज़ 10 के ड्राइवर फाइल डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड फिनिश हो चुका है। तो अभी हम जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, ये रिस्टार्ट होके ऑटोमेटिक विंडोज़ 10 का सेटअप चालू हो जाएगा। ये सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 का सेटअप चालू हो चुका है। इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको परचेज़ किया हुआ CD की डालना है, या फिर हम ये बाद में भी डाल सकते हैं, तो अभी फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर आप विंडोज़ 10 का वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ 10 प्रो 64-bit और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो ये विंडोज़ सेटअप चालू हो चुका है। यूजुअली ये 20 से 30 मिनट्स लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर अभी आ चुका है सेटिंग्स, हमें सेलेक्ट करना है लोकेशन, लैंग्वेज, तो जैसे विंडोज 10 इंस्टॉल हो जाएगा हमें ये स्क्रीन मिलेगा, वेलकम टू बूटकैम इंस्टॉलर, हमें इसे नेक्स्ट करना है। ये तकरीबन 2 से 4 मिनट लेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो बेसिकली ये ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा है, ऑडियो, वीडियो, USB एक्सेट्रा। इसे एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे तो हमारा विंडोज़ 10 विद ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो विंडोज़ 10 प्रो 64-bit इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। हमारा प्रोसेसर, रैम, टाइप ऑफ सिस्टम दिखा रहा है। तो इस तरह हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 फाइल। तो अभी हम बेसिक चेकअप कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका टच बार। तो इसका टच बार परफेक्टली काम कर रहा है। कुछ सेटिंग्स के लिए हम जाएंगे बूटकैम कंट्रोल पैनल पर। तो हमें यहाँ पर 3 सेटिंग्स मिल जाते हैं, स्टार्टअप डिस्क, कीबोर्ड और ट्रैक पैड। तो स्टार्टअप डिस्क पे हम डिफ़ॉल्ट बूट सेट कर सकते हैं। आप जिस पे सेलेक्ट करके रिस्टार्ट करोगे तो हमेशा सिस्टम उसी OS पे स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स कीबोर्ड की भी हैं, और हम ट्रैक पैड सेटिंग भी कर सकते हैं, टैप टू क्लिक, ड्रैगिंग, सेकेंडरी क्लिक, जो कि राइट कॉर्नर होता है ट्रैक पैड का, इसे हम अप्लाई कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो अभी हम इसे रिस्टार्ट करते हैं। अगर हमें बूट मेनू में जाना है तो हम प्रेस करके रखेंगे ऑप्शन बटन, जिससे हमें यहाँ पर बूट मेन्यू आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं विंडोज़ और मैक का, तो हम सेलेक्ट करेंगे एक बार मैक। हम मैक से भी स्टार्टअप डिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा सिस्टम प्रेफरेंसेस पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टार्टअप डिस्क पर। तो यहाँ से भी हम डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप डिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सेलेक्ट करके रिस्टार्ट करेंगे, सिस्टम हमेशा उसी OS से स्टार्ट होगा। इसे हम शट डाउन कर देंगे।
तो एक बार फिर से हम विंडोज़ में बूट करके देखेंगे। हम प्रेस करके रखेंगे ऑप्शन बटन और सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ 10। ये बूट हो चुका है विंडोज़ 10 पर। तो इस तरह हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 एक मैक सिस्टम पर। ओके, थैंक यू गाइस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।